हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एम्स न्यू दिल्ली से आया है, और वहाँ डिस्कस करेंगे हम साइंटिस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोजिशन को डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो जैसे आप YouTube पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है उनके वीडियोज़ को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एम्स न्यू दिल्ली से आया है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर अ पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट टू CCRF ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट द एम्स न्यू दिल्ली। तो ये जो पोजीशन निकाली इन्होंने साइंटिस्ट टू की, वो आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और यहाँ पे जो डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने को 10 जनवरी 2022 है। जो लास्ट डेट है आपका वो है 29 जनवरी 2022। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सब का एजेंडा सब देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको क्या पोस्ट दी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, मंथली रेमुनरेशन और डेट ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका पोस्ट रहेगा साइंटिस्ट टू का, वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और फर्दर एज मे बी रिक्वायर्ड। अब ये जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट टू की है जीनोमिक्स में। तो यहाँ पे आपका PhD होना चाहिए इन रिलेवेंट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लाइफ साइंसेस, और यहाँ पे आपका हैंडलिंग भी होनी चाहिए, आपका वेट लैब का भी आपको वर्क होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जो है अगर सेंगर सिक्वेंसिंग या NGS या माइक्रो एरिया ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की नॉलेज है तो आपको जो है यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, और ये आपका जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंडर आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 फर्स्ट ऑथर या ज्वाइंट फर्स्ट ऑथर पेपर आपका यहाँ पर होना चाहिए इन साइंस जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल में। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पोस्ट PhD तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 है, 1 अनरिजर्व, 1 EWS कैटेगरी में। अपर एज लिमिट 45 है, मंथली रेमुनरेशन 67,700 कंसोलिडेटेड, और डेट ऑफ इंटरव्यू 28 जनवरी 2022। इसके अलावा यहाँ पे साइंटिस्ट टू में बायो एनालिटिक्स एनालिटिक्स की पोजीशंस को निकाला गया है। तो यहाँ पर भी आपका PhD होना चाहिए बायोलॉजी लाइफ साइंस केमिस्ट्री में, आपका लैब एक्सपीरियंस लैब वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बायो एनालिटिक्स में, और आपको यहाँ पे जो है LC-MS या MS-MS जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑथर पेपर या ज्वाइंट फर्स्ट ऑथर पेपर जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 1 ईयर पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 1 अनरिजर्व, 1 EWS, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, और जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो 67,700, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 29 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पे आपको जो मॉर्निंग में 9:30 AM टू 10:15 AM जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम है। वेन्यू जो रहेगा वो आपका डायरेक्टर्स कमिटी रूम AM न्यू दिल्ली रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए लाइक एलिजिबल हैं और आप अगर सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप डायरेक्टली जो है उन पर्टिकुलर डेट पे जो है आप जा सकते हैं, और आप अपना जो भी आपका लाइक CV है और साथ ही साथ आपके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ओरिजिनल में भी आपको देखने को आपको दिखाना पड़े, और उसका जो है आप एक एक सेट जो है वो जीरोक्स कॉपी भी आपको लो जो है लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब अदर चीज़ हैं जो आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी वो भी यहाँ पे दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इन्होंने मैसेज कर रखा है, तो इसे का आपको फिलअप करना, चाहे आप घर पे फिलअप कर रहे हैं या आप वहाँ जाके भी फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल जो है आप जो है फिलअप आपको करना है, तो बेटर रहेगा इसका प्रिंट आउट लेके आप फिलअप करके रख लें, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी हड़बड़ी ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि साइंटिस्ट टू की जो जीनोमिक्स की पोस्ट है और साइंटिस्ट टू बायो एनालिटिक्स की पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट मेंशन कर रखी है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू वो मेंशन कर लिया 28 जनवरी जीनोमिक्स के लिए और बायो एनालिटिक्स के लिए 29 जनवरी, ठीक है। तो ये जो डेट है रिवाइज हुई है, इससे पहले जो डेट थी वो 27 और 28 जनवरी थी, तो आपका रिसेंट डेट जो है वो 28 जनवरी एंड 29 जनवरी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।